अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, ये मेरे पंचायत में है, लेकिन यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर के जो हमारे पड़ोसी पंचायत है वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए, लेकिन उसको बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। रहता है यहाँ तो कुछ डॉक्टर रहते ही नहीं है, नहीं सही से इलाज हो पाता है। यहाँ तो गरीब लोगों के लिए जैसे समाज में जैसे एक हॉस्पिटल बनता है कि वहाँ पर गरीब का इलाज हो, अच्छा से उपचार हो, ना यहाँ पर दवा रहता है ना डॉक्टर रहते हैं। कुल जो है बदतर स्थिति है। एक ANM को जो जिनका नाम विवाह कुमारी है वो बराबर ड्यूटी में लगी रहती है, उनके अलावे मैं किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को मैंने नहीं देखा आज तक जिससे लोगों को लाभ मिल सके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ RS कुमार। यह रेवासी पंचायत है और यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने के लिए पहुँचे। दो पंचायतों का उप स्वास्थ्य केंद्र हो और वहाँ की स्थिति ये हो तो आप कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं? बिहार सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मंगल पांडे जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की हकीकत को देखेंगे कि एक कमरे में दो पंचायत का जो पूरे पेशेंट है उसका देखभाल होता है, उसमें भी दो ANM जिसमें से एक ANM उपस्थित होती है, बाकी दो डॉक्टर गायब होते हैं और एक ANM भी गायब होती है, तो कैसे लोगों का इलाज हो पाएगा? इस यह विचारणीय विषय है। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विभा कुमारी हुआ, हम अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेवासी में पोस्टेड है, PHC रीगा। अच्छा, तो यहाँ पे आज कुल कितने पेशेंट आए हैं? आज मतलब पेशेंट इलाज 20% आया है, आज टीकाकरण है। अच्छा, तो यहाँ पे कुल कितने डॉक्टर पोस्टेड है? दो डॉक्टर, दोनों आज गायब हैं। मैंने गायब हूँ तो PHC से आपको पता करना होगा कहे कि कहाँ है, मैंने उनका ड्यूटी कहाँ है, तो PHC से आपको पता करना होगा। अच्छा, वो आते हैं क्या यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं कभी? हाँ, इसी तरह करते हैं। तो आप यहाँ क्या क्या देखती हैं, जो पेशेंट आते हैं उनको क्या ट्रीटमेंट देती हैं? पेशेंट आता है तो उसका मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद उसको जो दिक्कत रहता है पूछते हैं, BP शुगर ये सब जांच करते हैं। अच्छा, डॉक्टर नहीं है तो यहाँ पेशेंट जो आते होंगे उनको दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत होती है, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ अभी OPD नहीं खुल रहा है, दिक्कत तो हमें करेगा। अच्छा, एक पंचायत का पूरा यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, पूरे पंचायत के लोग आते होंगे? दो पंचायत का उप स्वास्थ्य तो यहाँ पे तो पेशेंट को दिक्कत होती होगी? दिक्कत ही है। अच्छा, जो आपके वरीय अधिकारी है, अगर यहाँ पे कर्मी की कमी है तो आप लोग उनको बताते नहीं है क्या? कोरोना के चलते नहीं सब हुआ है, कोरोना में जो मैंने डॉक्टर जैसे डॉक्टर अशोक शर्मा है तो कोरोना के है नोडल पदाधिकारी तो पूरा PHC को देखते हैं। मैडम, आप कह रही है कोरोना का दिक्कत है, तो कोरोना में पेशेंट तो आते होंगे, पेशेंट को तो दिक्कत होती होंगी? पेशेंट रीगा जाता है। अच्छा, पेशेंट रीगा जाता है, तो उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी पेशेंट को आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने यहाँ क्षेत्रीय अस्पताल को छोड़कर प्रखंड स्तर या जिला स्तर पर जाना पड़ता है, सही है मैडम? तो रेवासी पंचायत के मुखिया है अनिल कुमार, युवा मुखिया है, इससे पूर्व वो जीते थे तो अच्छा काम किए थे, उसी के बदौलत दूसरी बार जीते हैं, जनता आप पे भरोसा जताते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आप चुनाव में भी इसको देखते होंगे कि यह मुद्दा बना रहता है। आपके यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है आपको क्या लगता है कि आप उससे संतुष्ट हैं? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि अपनी बात रखने के लिए हमें को मौका मिला। ये जो सवाल है कि संतुष्ट है, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले बार भी हमको मौका मिला था और 5 साल देखने का मौका मिला। 5 साल में हमने पूरा प्रयास किया कि एक जो ये अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है ये मेरे पंचायत में है, लेकिन यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर के जो हमारे पड़ोसी पंचायत है वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए, लेकिन उसको बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था के लिए लिखित में भी हम मैनेजर साहब को दिए, प्रभारी महोदय को दिए, लेकिन उन लोगों का कहना है कि है ये नहीं है तो हम कहाँ से भेजें। यहाँ वो जो डॉक्टर है वो भी नहीं यहाँ आ पाते हैं। यहाँ ANM है वो एक रहती है, अपना टीकाकरण है उसमें अपना रहती है, ये ताला लगा हुआ रहता है। हम तो प्रतिदिन यहाँ बैठते हैं, हमको जनता के सामने जो है मुँह झुकाना पड़ता है,
उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो सवाल है काहे के लिए ये स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा मुखिया जी एक बात बताइए, यहाँ पेशेंट की बात करें तो जब हमने एएनएमसी बात की तो उन्होंने बताया कि अब तक जो है 20 पेशेंट आ चुके हैं, अभी समय लगभग 2:30 बज रहे हैं, इसके बाद भी अभी समय है, लोग आएंगे, तो जहाँ रोज 20-25 पेशेंट आते हो और वहाँ की स्थिति ऐसी हो, क्या नहीं लगता है कि दुर्भाग्य है? जी बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। सबसे पहले तो ये खुला ही नहीं रहता है, ये जो 20% की बात आप बोल रहे हैं, 20% आए हैं, तो ये खुला ही नहीं रहता है। ये तो खुला है थोड़ा देर के लिए, इसके लिए उतना पेशेंट है, पेशेंट काफ़ी पेशेंट आता है, लेकिन जब खुला ही नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ से हो पाएगा? वो लोग अपना रीगा जाता है, रीगा नहीं हुआ तो सीतामढ़ी गया। तो सीतामढ़ी के सिविल सर्जन महोदय, आप अपने उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति को हमारे माध्यम से जरूर देख लेंगे, और मंगल पांडे जी आपको भी दिखाना चाहेंगे कि आप बिहार में कोरोना काल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति थी उसको आप अब तक कितना बेहतर बनाए हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र रेवासी से सीतामढ़ी की आवाज के लिए मैं आर एस कुमार।